ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा कहे, गायन तो कर लेते हैं परंतु उस मात पिता को जानते नहीं है। फिर आगे कहते हैं, तेरी कृपा से सुख घने रे, लेकिन बाप की कौन सी कृपा है, कब ये कृपा किया ये कुछ भी नहीं जानते हैं। और वो सुख घनेरे की प्राप्ति का आधार क्या है ये भी नहीं जानते हैं। बाबा कहे, वास्तव में सारा मदार पवित्रता पर है। जब तुम बच्चे पवित्र बनते हो तो तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते जाते हैं और साथ ही साथ भविष्य नई दुनिया में सुख घनेरे की प्राप्ति करते हो। इस दुनिया के अंदर दुख घनेरे हैं क्योंकि अपवित्रता है। तो बाबा कहे, तुम बच्चों को अब सुख घनेरे वाली दुनिया में चलना है, इसलिए पावन बनना है और पवित्र बनने से सुख शांति दोनों ही प्राप्त होती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम मात पिता के सन्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। आज की मुरली से पहला प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, देवताएं सदा सुखी क्यों है? उत्तर, क्योंकि पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है, मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, वह बाप भी है, मात पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सब पुकारते रहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। अब किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से हैं और कब मिले, वो सुख घनेरे कौन से हैं और वो सुख घनेरे कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझते हैं। अभी तुम यहां सामने बैठे हो, जानते हो यहां कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हमें किस जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं, जानते हो हमें किस जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहां आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए, यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। स्टूडेंट को तो याद रहना चाहिए लेकिन बाबा देखते हैं कि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है। छुई मुई का पौधा होता है, हाथ लगाओ तो एकदम जैसे सिकुड़ जाता है, उसको लाजवंती भी कहते हैं।
तो बाबा कहे छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है, तो वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती है। नहीं तो बाबा का बने और बाबा की याद में रहे, पवित्र बने, तो बाबा कहे छुई मुई अवस्था हो नहीं सकती। ये तो माया वार कर लेती है और जो खुशी होनी चाहिए वो भी नहीं रहती है। नंबर वार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना, वो गरीब प्रजा व शाहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ते सुख घनेरे है ना, मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहां आए हो किस लिए? बाबा कहे देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर, विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। सारा मदार पवित्रता पर है, चलन भी उससे सुधरती है, देवता भी बन जाते, सुख घनेरे भी मिलते हैं, शांति भी प्राप्त होती। लेकिन इसी में ही विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो, बाबा कहते सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो न सके। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र है तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। हाँ, बाबा कहे मुख्य बात ही है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की ही तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। ये तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है बुद्धि में? सतयुग में ये देवता थे। बल सूरत तो मनुष्य की है परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सतो प्रधान। कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितना पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। ये मुसाफिर तो एवर गोरा है। बाबा कहे ये मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं। वहां नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत। वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं?
इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है, बाबा कहे चित्र में स्वदर्शन चक्र देवी देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं, क्योंकि वह तो है अहिंसक। वह क्या करेंगे शंख आदि को? स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। सारी आधार बाबा बताते हैं पवित्रता का, तो साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है। सुधारने वाला और है, वश्य बाबा तो है निराकार। हर एक मनुष्य की चलन को सुधारने वाला तो निराकार शिव बाबा है। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है, देवताओं की महिमा अलग है, तो शिव बाबा की महिमा ही अलग है। देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है, जब आत्मा संपूर्ण बन जाएंगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहां तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है, और अभी बाबा कहे सब कुछ तमो प्रधान है। अभी पांच तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर जाते हैं, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। ये सब तत्व तुमको मदद करते हैं। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लगते, यह है नेचुरल आपदाएं। ये बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। बाबा कहे बॉम्ब्स आदि को ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि यह तो मनुष्य की बनाई हुई चीज है। लेकिन प्रकृति के पांच तत्व से जो उपद्रव होते हैं उसको कुदरती आपदाएं कहेंगे, उसको भी ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। तो बाबा कहे यह बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुष्य के बनाए हुए हैं। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। ये आपदाएं सब आपस में मिलती है, पृथ्वी से हल्काई होती है। ये सारे तत्वों से जो आपदाएं क्रिएट होती हैं, बाबा कहे पृथ्वी से बोझ को समाप्त करती है और पृथ्वी से हल्काई होती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना, तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं। बाबा सारा टेंशन ही गायब कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं।
आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। ये कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। जो शिव बाबा का अलौकिक जन्म अलौकिक कर्तव्य है, ऐसा बाबा कहे किसका हो न सके। बाप है ऊंचते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। करण करावन हार है ना, करण करावन हार है ना। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। ये तो गायन भी है ना, बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहां तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को, वहां रावण राज्य ही नहीं। तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा थोड़ी होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सो भी आत्मा सांवरी बनती है। बाबा कहे शरीर सांवरा तो कलयुग में होता है, लेकिन आत्मा सांवरी बनती है। भिन्न नाम रूप देश काल अभी तुमको समझाया जाता है, तुम समझते हो बरोबर। हम शुरू से लेकर कैसे पाठ बजाते आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना। सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं। उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात बाबा सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। ये चक्र चलता ही रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं। आत्मा कहती है बाबा को, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और ये वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी है, सब स्टूडेंट्स है, पढ़ाने वाला है विदेही। यह उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है। यहां आकर देह धारण करते हैं। देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे।
सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरु, वह तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं? बाबा कहे, माला में फूल को क्यों नमस्कार करते हैं? यह भी अभी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं? देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं? माला देवताओं की है या तुम्हारी? पूछते बाबा, ये माला देवताओं की है या तुम्हारी है? देवताओं की नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मणों की ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो, अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले की बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है, बाबा ने बच्चों की कितनी सेवा की है, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में तो माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना, आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हैं, देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। बाबा कहे, तुम ब्राह्मण अभी बैठकर सबको आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो, देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो, वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यह तो मनुष्य है, यह भी पढ़ रहे हैं, यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर वन पतित वही फिर नंबर वन पावन बनते हैं, इतना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, ऐसा वरदान बाबा कहे, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं, मैं अगर आशीर्वाद दूं मैं तो सबको देता हूं, कि बाबा के लिए कोई खास और कोई आम तो है नहीं, तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, पढ़ाई पढ़ते चलो, अपने आप सारी आशीर्वादे बाबा से प्राप्त हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है,
धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सर्कमस्टेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी है। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।